गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, लेट्स बूट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट था कंप्यूटर माय फ्रेंड। आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, रीड भी कर दिया था। आपका ये मानव और ह्यूमन के भी डिफरेंस भी रीड हो गया था और एक्सप्लेन भी हो गया था। कल हमने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। क्या जिन स्थानों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आज हम जानेंगे कि किन स्थानों पर कंप्यूटर का की प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका है कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट्स लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, क्या कंप्यूटर आर वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या है, बहुत सहायक। लेट्स लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेस। आइए विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में जानें। आज हम नीचे जानेंगे ना किन किन स्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है या उसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे एट होम, हमारे घर पर इसका यूज किस प्रकार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी कैन यूज कंप्यूटर टू प्ले गेम, लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज। वी कैन ऑल्सो यूज इट टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। आप घर पे कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए और वॉच मूवीज देखने के लिए। वी कैन ऑल्सो यूज टू इट टू सर्च इंफॉर्मेशन एनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट। हम इंटरनेट से किसी भी जानकारी को भी खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पे कुछ जानकारी को खोजने के लिए भी हम आपका घर पे इसका प्रयोग भी करते हैं। अब आपका आता है एट शॉप एंड रेस्टोरेंट, आपकी दुकानों और रेस्टोरेंट पे इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर्स कैन मेक बिल्स एंड प्राइस लिस्ट, किस लिए होता है, बिल बनाने के लिए और प्राइस लिस्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दे कैन मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और स्टॉक भी। सेल्स एंड कैन ऑल्सो कीप डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स, क्या करते हैं, बिक्री और ग्राहकों का विवरण भी रख सकते हैं। लिखा है ना, ग्राहकों कस्टमर्स का और बिक्री का भी उसकी डिटेल यानी विवरण भी रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है एट स्कूल पे इसका यूज किस लिए होता है। तो कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू मेक टाइम टेबल्स, राइट नोटिस, मेक रिपोर्ट्स कार्ड, कीप रिकॉर्ड ऑफ फीस। दे आर ऑल्सो यूज इन टीचिंग, आपका स्कूल पे किस लिए यूज होता है, आपका टाइम टेबल्स के लिए यूज होता है, वहां पे टाइम टेबल्स आपका बनता है। राइट नोटिस भी आपकी कंप्यूटर से बनती है। मेक रिपोर्ट कार्ड, आपके जो स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड होते हैं वो भी आपके कंप्यूटर से ही होते हैं और फीस का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन टीचिंग, और टीचर भी इसका यूज करती है। तो आपके इन सब चीजों का यूज आपके स्कूल पे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है बैंक। कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल, दे कीप द अकाउंट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स, क्या करता है कंप्यूटर बैंक पे क्या करता है, कस्टमर की जो अकाउंट की डिटेल होती है उसको उसके लिए यूज होता है। हेल्प इन डिपॉजिट एंड विथ ड्राइंग मनी, आपका जो मनी निकालते हैं लोग और उस पे जमा करते हैं उसका भी यूज इस कंप्यूटर से ही होता है। ATMs also यूज कंप्यूटर फॉर बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये हो गया होम पे यूज किस लिए होता है, शॉप और रेस्टोरेंट पे क्यों करते हैं, स्कूल पे हम क्यों करते हैं और बैंक पर क्यों करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।